Hello, hello, hello. Welcome to the Urban Turban Realtors. I'm Navdeep Khanuja, a financier, investor turned property consultant and a founder of the Urban Turban Realtor. आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. हमें मज़ा आता है जब जिस पैशन के साथ हम जब वीडियो शूट करते हैं, बिल्डर उतने ही पैशन के साथ जब ये घर बनाता है. सो राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन सुशांत लोक वन कवरिंग अ 215 स्क्वायर यार्ड प्रोजेक्ट. This is a park facing project. Builder ने इस location का बिल्कुल justice किया है. इतना बेहतरीन project बनाया है. And mark my words, this is the best project available in Sushant Lok right now in 215 square yard category. Builder ने एक एक चीज का ध्यान दिया गया है, एक एक element का इतने precision के साथ बनाया है. और जो भी floor इसमें आएगा, जो भी ये floor लेगा, उसको कभी भी maintenance की या किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी. आज ये वीडियो हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्किंग एरिया. Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Tinsel hangs from every corner of the house and Christmas lights shine bright through the cold evening fog. I hear sleep bells bouncing off the hall. पार्किंग एरिया में एंटर करते ही आपको 7 feet टॉल आपको ये मैसिव मेन डोर मिलते हैं. नाउ दिस बिल्डिंग इज इक्विप्ड विद 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम. सो द फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम इज हेयर. ये आप जब तक ऊपर तक बज नहीं करेंगे ये डोर नहीं खुलेगा. आपको यहाँ पे 4 वाटर टैंक मिलते हैं, 4500 कैपेसिटी ईच. आपको ओवरहेड 1000 लीटर मिलता है. आपको यहाँ पे वॉल्स के ऊपर आपको टाइल दी गई है ताकि कोई मेंटेनेंस की दिक्कत है ही नहीं. कभी साथ में कोई नई बिल्डिंग बनती है तो कभी भी आपको सीलन की दिक्कत नहीं आएगी. इनफैक्ट द लेवल ऑफ डिटेल इज सो हाई ताकि किसी भी फ्लोर किसी भी दिक्कत ना आए. इन्होंने पहले ही हर चीज़ डिमार्क कर दी है. आपको अगर गाड़ी भी धोनी है तो आपके टैंक से अलग अलग मार्क कर दिए गए हैं, आप अपना यूज़ करिए. आपको इलेक्ट्रिकल सॉकेट अपने अलग मिलते हैं. आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पैनल जो बिल्डिंग में प्रोवाइड करा जाता है उसको भी कवर कर दिया गया है पूरे वुडन बोर्ड्स के अंदर. तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा की आपको सिस्टम प्रोवाइड करा गया है. सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगाए गए हैं, सारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी. आपको 2 car park ईच मिलती है. आप आगे तक लेके जा सकते हैं. ये प्लांट सिर्फ अभी ऐसे ही लगाए गए हैं, वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस राइट नाउ. आपको यहाँ पे वॉल के ऊपर ग्रीन ग्रास भी दी गई है, आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास. ऊपर आपको LED लाइट स्ट्रिप दी गई है. दिस इज द मेन डोर. यहाँ पे भी आपको एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. आप यहाँ पे बस करेंगे, ऊपर आपकी वीडियो कॉलिंग में आपका आएगा, तभी वो खोल सकते हैं. लेट मी शो यू द बैक एरिया. आपकी कार यहां तक आएगी. यहां पे आपको 4 7 quarter प्रोवाइड करे गए हैं, वो भी डिमार्क कर दिए गए हैं. एंड वन थिंग, दिस इज 100% वास्तु कंप्लायंट. इनफैक्ट आपको इस बिल्डिंग के अंदर आपको पावर बैकअप भी दिया गया है, पर्सनल पावर बैकअप. आपको 45 kilowatt का आपको एक जनरेटर भी दिया गया है. आई मीन हाउ अमेजिंग इज दिस. आपको यहां पे एक वॉशरूम भी दिए गए हैं. 7 quarter के कॉमन वॉशरूम्स मिलते हैं आपको. प्लीज आप यहां पे आइए, मैं आपको दिखाता हूं. नाउ दिस इज द बिल्डिंग एंट्रेंस. यहां पे सेंसर लाइट्स लगाई गई हैं. यहां पे आपको कोने की लिफ्ट भी प्रोवाइड करी गई है. एक अच्छा एक ग्रेनाइट के अंदर इस बॉल को प्ले करा गया है. इनफैक्ट इसके अंदर भी आपको कोव सेक्शन प्रोवाइड करा गया है. आपको यहां पे सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करा गया है. लेट्स गो अपस्टेयर्स एंड हैव अ लुक. एंटर करते ही आपको मेन डोर मिलता है जो बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के अंदर है. नाउ दिस इज टीक वुड वेनियर. इसको पूरी एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर प्ले करा गया है इन ग्रूव्स. आपको एल्बा का स्मार्ट होम डोर लॉक सिस्टम भी प्रोवाइड करा गया है विद बायोमेट्रिक एनकोड्स. आपको यहाँ पे एक हैंडल भी प्रोवाइड करा गया है इन ब्राउन लैकेट ग्लास. सो एक छोटी छोटी डिटेल्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. नाउ यू ऑल्सो गेट एल्बा स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम. This is all part of the 3-tier security that we told you earlier. Now let me explain you the layout very quickly. Enter करते ही आपको ड्राइंग रूम मिलता है in the front. Front में आपको ड्राइंग रूम के साथ एक बेडरूम मिलता है with kitchen right in the center. So very convenient to serve your guests with 2 bedroom at the back. So let's start with the ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम और डाइनिंग के अंदर आपको बर्बरी बेज फ्लोरिंग मिलती है. Now this is a very expensive stone.
यहाँ पे आपकी दिस इज़ द मेन हाइलाइटेड वॉल, यहाँ पे आपको ब्राउन रेकर ग्लास प्रोवाइड करा गया है, साथ में आपको एक बहुत ही सटल शेड के अंदर वॉलपेपर दिया गया है। पर्सनली मुझे नहीं पसंद कि बहुत कलरफुल वॉलपेपर होते हैं, नाउ दिस इज़ वेरी सटल, वेरी सोबर। सीलिंग के अंदर आपको एक अच्छा एक वुडन एलिमेंट भी दिया गया है, वुडन पैनलिंग प्रोवाइड करी गई है, आपको हैवेल्स के फ़ैन दिए गए हैं, आपको हिताची का एक प्री इंस्टॉल 1.5 टन एसी मिलता है, एक ड्राइंग रूम में, एक डाइनिंग एरिया में। बट दिस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ द हाउस, दिस इज द मेन हाईलाइटेड वॉल, ये दिस इज़ कॉल्ड ऑनिक्स, ऑनिक्स टाइल है ये एक बुक मैच करके पूरी लगाई गई है, उसके साथ आपको पूरा एक LED लाइट लगाई गई है, बहुत ही एक अच्छा लुक देता है, बहुत रॉयल लुक देता है। सेम आपको वॉलपेपर मिलता है, अगेन यू गेट द सेम ब्राउन लैकर्ड ग्लास विद प्री इंस्टॉल हिताची एयर कंडीशन। सीलिंग के अंदर भी आपको सेम हैवेल्स का फैन मिलता है, आपको LED लाइट्स मिलती हैं, आपको वुडन पैनलिंग मिलती है। नाउ ऑल द स्विचेस इन द हाउस आर बाय नॉरिसेस, आपको एक्सेस मिलता है बालकनी में जाने के लिए। नाउ यू कैन एक्सेस टू द बालकनी थ्रू एल्यूमिनियम डोर, नॉर्मली आपको 215 गज के अंदर आपको UPVC बिल्डर प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम मिलता है। बाहर आपको वुडन लुक के अंदर आपको टाइल प्रोवाइड करी गई है। एक्सटीरियर, द होल एक्सटीरियर पेन इज इन स्टोन फिनिश, ये बहुत स्टर्डी है, सालों साल ऐसे ही रहेगा। बहुत अच्छे एक लाइट एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं, रात को ये बहुत अच्छी लगेगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक पूरा आपको वुडन लुक के अंदर, नाउ दिस इज़ नॉट वुड, दिस इज़ एल्यूमिनियम, ये सालों साल ऐसा रहेगा, वुडन लुक के अंदर है, आपको कभी भी कोई मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात ये है इस घर के अंदर, आपको ग्लास रेलिंग मिलती है, एज आई सेड अर्लियर दिस इज़ अ पार्क फेसिंग प्रोजेक्ट, आपको बाहर भी पार्किंग मिलती है, आपको यहाँ पे एक टैब भी प्रोवाइड करा गया है टू वॉश द बालकनी एंड एवरीथिंग फॉर यूटिलिटी। प्लीज हैव अ लुक। Winter's here, the snow is falling on our car as we drive for miles to that little town called home. Now this is the first bedroom. ये फ्रंट में आ जाता है ड्राइंग रूम के साथ। यहाँ पे आपको वुडन लुक के अंदर आपको टाइल मिलती है, तो ये सालों साल ऐसे ही रहेगी, कभी भी कोई आपको दीमक की दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे भी आपको हिताची का एयर कंडीशन मिलता है। नाउ दिस इज़ द मेन बेड वॉल, हाइलाइटेड वॉल, इसके अंदर वॉशरूम का डोर कंसील कर दिया गया है पैनलिंग के अंदर। आपको यहाँ पे एक अच्छा विनियर लगाया गया है, डार्क कलर की पॉलिश करी गई है, बहुत अच्छी एक लुक दे रहा है। साथ में आपको ब्रास स्ट्रिप मिलती है, ऊपर ग्रूव्स के साथ प्ले करा गया है। सीलिंग के ऊपर भी आपको LED के साथ बहुत अच्छा एक प्ले करा गया है, LED स्ट्रिप के साथ, LED लाइट, फोकस लाइट्स। आपको यहाँ पे नॉरिसिस के स्विच भी मिलते हैं ग्रे के शेड में। यू गेट एक्सेस टू द बालकनी थ्रू एल्यूमिनियम डोर, दिस इज द सेम बालकनी जो ड्राइंग रूम के साथ आती है। नाउ लेट मी शो यू द वॉशरूम। वॉशरूम आपको एक बहुत अच्छे साइज के अंदर मिलता है। यहाँ पे आपको एक फुल साइज वार्डरोब मिलती है, एक सिंगल वार्डरोब मिलती है। नाउ दीज आर ऑल ग्लास शटर वार्डरोब विद गोल्ड प्रोफाइल हैंडल्स। अंदर आपको LED लाइट मिलती है, ऑल द चैनल्स आर बाय हैटिक सॉफ्ट क्लोज। नाउ दिस इज योर लॉकेबल ड्रॉअर, यहाँ पे आपको शेल्व्स मिलते हैं, यू कैन हैंग योर क्लोथ्स हियर। आपको ऊपर एक ओवरहेड लॉफ्ट भी प्रोवाइड करा गया है, नॉर्मल बिल्डर ये नहीं प्रोवाइड करे हैं करते हैं, बट इन्होंने ये प्रोवाइड करा गया, अलग शटर्स भी लगाए हैं। नाउ इफ यू सी दिस साइड ऑफ द वार्डरोब, यहाँ पे आपको बहुत सारे शेल्फ मिलते हैं, सो यू कैन इजिली स्टैक योर क्लोथ्स। आप यहाँ पे अपने हैंड बैग्स भी रख सकते हैं, शनैल, गुची, व्हाटएवर, ऊपर भी आपको स्पेस मिलती है। नाउ इन द वॉशरूम आपको यहाँ पे ग्रे कलर की आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलती है। वॉल के ऊपर आपको ग्रे ब्रेशिया की आपको टाइल मिलती है। सेम आपको काउंटर टॉप भी प्रोवाइड करा गया है। आपको एक बहुत अच्छा एक डिज़ाइन के अंदर, हल्के से शेड के अंदर आपको ये एक आपको वॉश बेसन भी मिलता है। नाउ ऑल द फिटिंग्स आर बाय कॉलर, आपको यहाँ पे एक LED लाइट के साथ आपको एक लुक मिरर भी मिलता है, आपको WC भी मिलता है कूलर का विद बाथ फिटिंग्स बाय कूलर एज वेल, आपका AO स्मिथ का आपको एक गीजर भी प्रोवाइड करा गया है। ऑल द स्विचेस आर बाय नॉरिसेस विद शार कैबिन ऑन दिस साइड। Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses. किचन आपको एक बहुत अच्छे साइज के अंदर मिलती है, स्पेशली द कलर टोन इन द किचन इज वेरी गुड, वेरी अपीलिंग। नाउ दिस इज शैम्पेन एंड वाइट,
तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आपको क्वार्ट्ज का काउंटर टॉप मिलता है, आपको कैफ का फोर बर्नर हॉब चिमनी मिलती है, आपको बिल्ट इन अवन भी प्रोवाइड करा गया है, आपको यहाँ पे एक पेंट्री मिलती है, यू गेट लॉट ऑफ स्टोरेज इन द किचन। नाउ दिस स्पेस इज फॉर योर रेफ्रिजरेटर, आपको यहाँ पे और बहुत अच्छी स्पेस मिलती है, ओवरहेड शटर्स, यहाँ पे आपको कटलरी ट्रे मिलती है 2 feet PVC, अगेन लॉट ऑफ स्टोरेज हेयर एज वेल, यहाँ पे आपको दो सिंक मिलते हैं, दीज आर स्टेनलेस स्टील सिंक विद क्रशर्स, सिंक क्रशर्स, आपको यहाँ पे ड्यूल साइड फॉसेट मिलता है, आपको यहाँ पे भी बहुत सारी स्टोरेज मिलती है, यू गेट फुली मॉडुलर किचन, ऑल द चैनल्स आर बाय हैटिक सॉफ्ट क्लोज, आपको यहाँ पे गीजर भी प्रोवाइड करा गया है, यू ऑल्सो गेट प्रोविजन फॉर एयर कंडीशन, आई मीन 215 के अंदर ये सब नहीं प्रोवाइड करा जाता, बट यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। This is the second bedroom. This is the master bedroom. वैसे पीछे के दोनों रूम ही बहुत बड़े हैं, दोनों ही अपने आप में मास्टर बेडरूम है। Here you get Burberry beige flooring. आपको यहाँ पे एक बेड वॉल बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करी गई है, you get a very good wallpaper here. But the main highlight of this room is these lights, these fancy wall lights. They are so beautiful. एक इतना अच्छा एलिमेंट लेके आती हैं, रात के टाइम ये डिम लाइट जलेगी, बहुत अच्छा लगेगा ये रूम। आपको यहाँ पे एक पाइन वुड के अंदर पैनलिंग भी करी गई है विद LED प्रोफाइल लाइट, ये भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है। आपको प्री इंस्टॉल डायकन का एयर कंडीशन मिलता है। नाउ लेट मी शो यू द वार्डरोब देयर ऑन दिस साइड। यहाँ पे आपको ग्लास शटर के अंदर, ब्लैक लैकर्ड ग्लास के अंदर, ब्लैक प्रोफाइल हैंडल मैट फिनिश के अंदर आपको शटर्स मिलते हैं। अंदर आपको फैब्रिक फिनिश लैमिनेट्स मिलते हैं विद लॉकेबल ड्रॉर्स, LED लाइट, हैंगिंग रॉड, ओवरहेड लॉफ्ट। आपको यहाँ पे एक सिंगल साइड वार्डरोब भी मिलती है, यू कैन हैंग योर गाउन्स, योर ड्रेसेस हेयर। आपको यहाँ पे भी LED लाइट मिलती है, आपको एक्सेस मिलता है बालकनी में जाने के लिए, आपको यहाँ पे एक कर्टन रॉड, एक चैनल छुपाने के लिए आपको एक यहाँ पे पैलमेट भी दिया जाता है। बट मेरे को सबसे ज़्यादा इस घर का जो चीज़ पसंद आई है वो है बैक बालकनी, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, यू कैन हैव योर कॉफ़ी हेयर, मॉर्निंग टी हेयर, सो लेट्स चेक इट आउट। आपको इतनी सुंदर बालकनी मिलती है, करीब करीब आपको 10 फीट की स्पेस मिलती है। नाउ द एडिशनल एरिया इज कवर्ड इन MS फ्रेम, ये बहुत स्टर्डी है, पूरा इसको कवर कर दिया गया है, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी मिलती है। पूरा फाइबर शीट लगा के इसके ऊपर ग्रास कारपेट लगा दिया गया है, सो आप चाहें तो यहाँ पे एक इनफॉर्मल पार्टी भी कर सकते हैं, 2-3 कपल्स को बुला के यहाँ पे आप पार्टी कर सकते हैं, रूम से यहाँ पे भी आ सकते हैं, कोई मेरे जैसा होगा आई विल सर्व माई गेस्ट अ ड्रिंक हेयर एज वेल, और यहाँ पे आप चाहे बारबेक्यू कर सकते हैं, मॉर्निंग टी ले सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एरिया, ये पीछे के दोनों बेडरूम को ज्वाइन करता है, सो ब्यूटीफुल स्पेस। ये सेकंड बेडरूम के साथ वॉशरूम आ जाता है, यहाँ पे आपको दो डोर मिलते हैं, सो इट सर्व्स एज अ ड्यूअल पर्पस ऑफ वॉशरूम फॉर द बेडरूम एंड एज अ पाउडर टॉयलेट एज वेल। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये ऐसा लगता है जैसे आप किसी 5-star के होटल के वॉशरूम में आए हैं, इट इज सो ब्यूटिफुली डन, कहीं से नहीं लगता कि ये 215 गज का घर है, 215 गज का वॉशरूम है। वॉल्स के ऊपर आपको ब्राउन कलर का टाइल मिलती है, आपको सेम फिनिश के अंदर आपको फ्लोरिंग भी मिलती है एंटीस्केट के अंदर, सेम आपको काउंटर टॉप भी मिलता है, यहाँ पे आपको वॉश बेसिन प्रोवाइड करा गया है। नाउ दिस इज इन सेमी स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन की लुक के अंदर आपको वॉश बेसिन मिलता है। Now all the fittings are by Kohler and they are in gold finish. I mean, look at the level of detail. हर चीज़, मतलब even help faucet तक आपको gold के अंदर मिलता है, gold finish में मिलता है। आपको यहाँ पे एक बड़े size के अंदर looking mirror मिलता है, which is backlit. उसके ऊपर आपको brass के अंदर, gold brass के अंदर आपको एक lights भी दी गई हैं। आपको शार्क कैबिन मिलता है, शार्क कैबिन की भी फिटिंग सारी गोल्ड में है, बाथ फिटिंग्स भी आपको सारी गोल्ड के अंदर मिलती हैं, सो इट इज ब्यूटिफुली डन। Now he's sleeping, bouncing off the houses, the church choir seems alive. Feel my heart melt. You walk through those doors for Christmas, you're all I want. All I wanted was. Now this is the third and the final bedroom.
यहाँ पे भी आपको बर्बरी बेज फ्लोरिंग मिलती है. दिस इज द बेड वॉल. यहाँ पे ग्रूव्स के पीओपी के अंदर ग्रूव्स में प्ले करा गया है, लेवल्स में प्ले करा गया है. आपको बेड साइड पे दोनों साइड पे आपको हैंगिंग लाइट मिलती है. बहुत अच्छी एक डिज़ाइन है, एक अच्छा एलिमेंट है. आपको नोरिसिस के स्विचेस मिलते हैं. आपको हिताची का प्री इंस्टॉल 1.5 टन का एयर कंडीशन मिलता है. आपको यहाँ पे वार्डरोब भी प्रोवाइड करी गई है. नाउ दीज आर इन वुडन फिनिश. बाहर इनके जो लैमिनेट्स हैं, दिस इज अ सिंगल अलमीरा. एक यहाँ पे फुल साइड आपको मिलती है. अगेन सेम स्पेसिफिकेशन जो हमने आपको पहले दिखाई. आपको पेलमेट मिलता है टू कंसील योर कर्टन रॉड चैनल्स. आपको एक्सेस मिलता है सेम बालकनी में जाने के लिए जो हमने आपको पहले दिखाई. लेट्स चेक आउट द वॉशरूम. ये वॉशरूम ब्लैक एंड व्हाइट थीम में करा गया है. वॉल के ऊपर आपको सतवारियों लुक की व्हाइट कलर की टाइल मिलती है. आपको ब्लैक टाइल मिलती है. दिस इज कॉल्ड अरमानी ब्लैक. आपको ब्लैक कलर की मैट फिनिश के अंदर आपको फ्लोरिंग भी मिलती है. अटेंशन टू डिटेल इज सो हाई कि आपको वॉश बेसिन भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिया गया है. आई मीन अमेजिंग. आपको कोलर की फिटिंग्स मिलती हैं. आपको लुकिंग मिरर मिलता है विच इज बैकलिट. आपको WC यहाँ पे दिया गया है एंड विद शार्क कैबिन ऑन दिस साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको उतना ही मजा आया देखने में जितना हमें मजा आया ये वीडियो बनाने में. ये प्रॉपर्टी बहुत एक्सक्लूसिव है. सो जब तक आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, ये प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाएगी. तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करिए. इस नंबर पर कॉल करिए, प्लान करिए विजिट. हम पर्सनली आपको दिखाएंगे. ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेट हों आपके आगे और अच्छी वीडियोस लाते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज नवदीप खनुजा फ्रॉम अर्बन टर्मल रियल्टर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.